नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट डायरेक्टर की एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान और पंजाब किंग्स के मुकाबले के बारे में। ये आईपीएल का 65वां मुकाबला होने वाला है और 15 मई को ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गुवाहाटी में क्यों, वो तो किसी आसाम की टीम तो खेलती भी नहीं। तो बता दें कि राजस्थान टीम ने गुवाहाटी को 2 मैचेस के लिए अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ है, तो आखिरी के जो 2 मैच हैं उन्हीं के साथ वहीं पे आपको खेलते हुए दिखेगी राजस्थान की टीम अपने घर में, यानी कि बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। यह मुकाबला 15 मई को शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला होगा। लेकिन अगर दोनों टीमों की बात करें पहले, तो यहाँ पर राजस्थान की टीम जो कि प्लेऑफ से बिल्कुल एक कदम दूर है, लेकिन वो एक कदम पार नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लगातार 3 मुकाबले हार चुकी है। पिछला मुकाबला भी हार करा रही है, जबकि पंजाब किंग्स भी अपना पिछला मुकाबला RCB से हारी थी, 241 रन धर्मशाला में बनवा दिए थे। उसके बाद RR की बात करें तो चेन्नई से हार गई थी, 141 रन ही कुछ बना पाए थे इन्होंने अपने मैच में। तो बैटिंग बड़ी खराब देखने को मिली थी पिछले मुकाबले में राजस्थान की तरफ से। उम्मीद करेंगे ये गुवाहाटी के बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम में यहां पे एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले और हमारी फैंटेसी टीम भी तगड़ी बन जाए। तो वही टीम बनाने की कोशिश करेंगे। टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाइए और लाल बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे, टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए आप प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें, तो यहाँ पे पंजाब किंग्स की पहले प्लेइंग 11 देखते हैं। जॉनी बेस्ट्रो विकेट कीपर और प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। राइलो रूसो RCB के सामने बड़ी अच्छी पारी खेली थी 3 नंबर पे वो। लियम लिविंगस्टोन, उसके बाद शशांक सिंह, सैम करन कप्तान होंगे अगर शिखर धवन नहीं खेलते हैं तो। वहीं पे आशुतोष शर्मा, हर्ष पटेल, राहुल चहर, हर्षदीप सिंह और विधवत करप्पा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। अब यहां पे राजस्थान की अगर प्लेइंग पे नजर डाले, तो यहां पे यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कप्तान विकेट कीपर, रियान पराग, शुभम दुबे, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा और यूजी चहल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे अगर नजर डाली जाए, तो 27 मुकाबले अभी तक राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए, जिसमें से राजस्थान का पलड़ा आपको भारी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 16 मुकाबले राजस्थान की टीम ने जीते, जबकि 11 मुकाबले पंजाब की टीम ने जीते हैं। वहीं अब पिच रिपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम की विकेट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ये विकेट काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं। इस विकेट पे 200 रन बनते हुए दिखते हैं। जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का मुकाबला हुआ, तो वहाँ पे तो 237 रन बन गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो काफ़ी अच्छी वहाँ पे आपको बैटिंग पिच देखने को मिलती है। बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, हालांकि तेज गेंदबाज यहाँ पे मदद जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 200 प्लस स्कोर जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? वो आपको अभी पता चल जाएगा जब हम इनके स्टैट्स पे बात करेंगे। स्टैट्स अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बांसपारा क्रिकेट ग्राउंड में T20 के स्टैट्स देखा जाए, 4 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं। बैटिंग पहले करते हुए टीम ने 1 मुकाबला जीता है, जबकि सेकंड बैटिंग टीम ने 2 मुकाबले जीते, और एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर आप देखिएगा 192 रन है। तो वो साफ बताता है कि यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है। आईपीएल की अगर मैचेस की बात करें, तो यहाँ पे अभी तक 2 IPL मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से चेज करते हुए टीमों ने जीत हासिल नहीं की है। पहले बैटिंग करते हुए वो दोनों टीमों ने जीत हासिल करी है, यानी कि पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर भी आप फर्स्ट इनिंग का देखें तो 198 रन है। जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे बना है वो 199 रन था आईपीएल में, जो राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया था, और वो मुकाबला जीत भी गई थी पहले बैटिंग करते हुए। तो यहाँ पे मूल मंत्र है कि भैया पहले बैटिंग करिए और एक बड़ा स्कोर खड़ा करिए। यहाँ पे कम से कम 220-10 के आसपास स्कोर बनना चाहिए अगर राजस्थान को ये मुकाबला जीतना है, क्योंकि पंजाब किंग्स भैया इस सीज़न का पूरे आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज करके बैठे हुए 262 रन। तो वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को इतने हल्के में नहीं लेना चाहेंगे। हल्के लेने के चक्कर में 3 मैचेस हार चुके हैं, तो इस मुकाबले में आपको इस विकेट पे एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले बैटिंग का फैसला कर सकता है। अब बात की जाए टॉप बैट्समैन पिक्स की, तो यहाँ पे शशांक सिंह हमारे पहले बल्लेबाज होते हैं जिन्हें हम पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये पंजाब के लिए। 12 मुकाबलों में 352 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 168 का है। पिछले मुकाबले में भी आरसीबी के लिए अच्छा खेले थे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ अच्छा खेले थे, लेकिन वहां पर रनआउट हो गए थे। विराट कोहली का वो शानदार रनआउट था, जबकि जॉनी बेस्ट्रो भी 284 रन बना के 10 मुकाबलों में पंजाब के लिए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 164 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिलता है, जबकि संजू सैमसन RR की तरफ से 486 रन पिछले मुकाबले में, तो 15 रनों पर आउट हो गए थे, लेकिन
उससे पहले 86 रन दिल्ली के खिलाफ और अच्छे रन बना रहे हैं संजू, लगातार रन बना रहे हैं। तो 158 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बना चुके हैं, तो वो भी हमारी लिस्ट में होंगे। जबकि रियान पराग पिछले मुकाबले में राजस्थान के वो करता धरता थे जिसके दम पे वो 140 के आसपास पहुंच पाई थी। तो 12 मैचेस में रियान पराग ने 483 रन बनाए 153 के स्ट्राइक रेट से। तो ये चार बैट्समैन हमारे टॉप पिक्स होने वाले हैं। जबकि टॉप बॉलर पिक्स की अगर बात की जाए तो वहां पे देखेंगे हर्ष पटेल, द पर्पल पटेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 12 मैचेस में इन्होंने 20 विकेट अपने नाम कर लिए भाई। वहीं पे हर्षदीप सिंह 12 मैचेस में 16 विकेट के साथ। तो ये दोनों तेज गेंदबाजों को हम अपनी टीम में रखेंगे। जबकि युजवेंद्र चहल भी वहां पे होंगे 11 मैचेस में 15 विकेटों के साथ, और संदीप शर्मा 7 मैचेस में 10 विकेट। और मेरा मानना है कि वहां पे जहां आपको बल्लेबाज रन बनाते हुए दिखेंगे बांसपारा में, तो वहां इनकी स्लो रन काम करते हुए दिख सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और पिछले मैच के स्टैट्स की बात की जाए जिनमें खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करा था। कौन से वो खिलाड़ी थे, आइए एक बार नजर डालते। तो राजस्थान के लिए वो लो स्कोरिंग मैच में रियान पराग ने 47 रन नाबाद बनाए थे, जबकि ध्रुव जुरेल ने भी 18 गेंदों पर 28 रन बनाए थे जिसके दम पे वो टीम वहां तक पहुंच पाई थी। तो इन दोनों की अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी, जबकि अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो राजस्थान की तरफ से ये टॉप प्लेयर थे। जबकि पंजाब किंग्स की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको राइलू रूसो दिखेंगे जिन्होंने 61 रन बनाए थे। वो हाई स्कोरिंग चेज में 242 रन चेज कर रही थी 61 रन, लेकिन उसके बाद आउट हो गए। वहीं पर शशांक सिंह 37 रन बनाकर रन आउट हो गए थे, और इस मुकाबले में हर्षव पटेल ने 3 विकेट ली थी। तो यहां पे ये 3 खिलाड़ी, और उम्मीद करेंगे इस मुकाबले में भी यही 3 खिलाड़ी आपको बेहतर करते हुए नजर आए। अब आ जाते हैं स्मॉल लीग की मस्ट पिक पे। तो यहां पे पंजाब किंग्स की तरफ से 2 खिलाड़ियों को तो आपको पक्का रखना है, वो है शशांक सिंह और हर्षव पटेल। गेंदबाजी में पटेल विकेट निकाल के दे रहे, शशांक सिंह बैटिंग में रन बना के दे रहे। वहीं पर राजस्थान की तरफ से रियान पराग और संजू सैमसंग हमारी मस्ट पिक होने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। वहीं पे अब फैंटेसी टीम को तैयार की जाए तो फैंटेसी टीम हमारी देखिए, विकेट कीपर में हमारे पास 3 विकेट कीपर है, जॉस बटलर, संजू सैमसंग और साथ में जॉनी बेस्ट्रो। इन तीनों को मैंने अपनी टीम में रखा है क्योंकि जॉस बटलर ओपन करेंगे, और जॉस बटलर का बांसपारा में रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, 2 मैचेस में 98 रन बनाए इन्होंने यहाँ पे। तो अच्छी पारी खेलते हैं, यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो इनको हम अपनी टीम में रखेंगे। जॉनी बेस्ट्रो ओपनिंग करते हैं पंजाब की तरफ से, तो उनको रखना बनता है। जबकि संजू लगातार रन बना रहे तो वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जबकि बैट्समैनों में अगर बात की जाए तो राइली रूसो, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में इन्होंने फॉर्म पकड़ी है और अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। साथ में शशांक सिंह और यशस्वी जायसवाल को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। वहीं ऑलराउंडर के तौर पे सैम करन को मैंने रखा है। रियान पराग आप लियम लिविंगस्टोन को भी इस मुकाबले में रख सकते हैं, सैम करन की जगह उनको आप रख सकते हैं, या फिर मेरा मानना है कि आप सैम करन के जगह लियम लिविंगस्टोन के साथ जा सकते हैं। वहीं पे बॉलर्स की अगर बात की जाए तो युजवेंद्र चहल को मैंने रखा है स्पिन में एक डिपार्टमेंट में, और साथ में तेज गेंदबाजों में मैंने आवेश खान और हर्ष पटेल। खैर आप रबाडा के साथ भी जा सकते हैं, और यहाँ पे संदीप शर्मा के साथ भी आप जा सकते हैं। उन दोनों में से किसी भी गेंदबाज को आप अपनी टीम में रख लीजिएगा। तो ये थी हमारी राजस्थान और पंजाब के मुकाबले के लिए फैंटेसी टीम। उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आए, यही दुआ करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।